अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस्लामियत के नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। हमने 4 से लेके 8 तक की इस्लामियत के एमसीक्यू स्टार्ट किए हुए हैं। ये हमारी 5 क्लास की इस्लामियत के एमसीक्यूज हैं और हमारा बेसिक मैथ का पोर्शन भी कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह ताला जब तक एजुकेटर्स की जॉब्स अनाउंसड होंगी हमारा ऑलमोस्ट सब बुक्स कवर हो जाएंगी। मेरी कोशिश यही है। आज का जो हमारा टॉपिक है हिजरत मदीना, इसका पहला एमसीक्यू लिखा हुआ है कि मदीना मुनव्वरा का पुराना नाम है यसरब। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही यसरब हिजरत की तो इसका नाम मदीना अल नबी यानी नबियों का शहर था, जिसे अब क्या कहते हैं मदीना। यसरब यानी मदीना मक्का से शुमाल की जानिब 350 किलोमीटर के फासले पर एक सरसब्ज और शादाब इलाका है। नेक्स्ट है, हर इस के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यसरब के करीब एक कुबा नामी बस्ती में क़याम किया और वहीं इस्लाम की पहली मस्जिद कायम की। इलान नबूवत के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा में क़याम किया। 13 साल की PPSC का रिपीटेड MCQs है, इसको आप लोगों ने अच्छे से क्या कर लेना, याद कर लेना। नेक्स्ट है, कुरैश के लोगों ने किस मुकाम पर जमा होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ तदबीर की? दारुल नदवा, ये मुकाम का नाम है। नेक्स्ट है, अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ्फारे मक्का की साजिश की इत्तला किसके ज़रिए दी? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए से अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला कर दी थी कुफ्फार की। नेक्स्ट है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश के किस सरदार की तजवीज़ पर नौज़ बिल्लाह कत्ल करने का मनसूबा बनाया गया? अबू जहल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत के लिए घर से निकले तो कौन सी सूरत की तिलावत कर रहे थे? सूरह यासीन की। हिजरत मदीना के दौरान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस पर सवार थे? ऊँटने पर। नेक्स्ट MCQs है, मदीना मुनव्वरा की तरफ जिस ऊँटनी पर सवार थे उसका नाम क्या है? ये भी PPSC का मोस्ट इम्पोर्टेंट और रिपीटेड MCQs है। कस्वा, ऊँटनी का नाम याद कर लेना। मदीना की तरफ हिजरत करते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस गार में पनाह ली? गारे सौर में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे सौर में कितने दिन तक क्याम की? ये भी PPSC का रिपीटेड MCQs है, 3 दिन। गारे सौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तखरा को जाने की जिम्मेदारी किसकी थी? अस्मा बिनत अबी बकर, हज़रत अबू बकर की बेटी थी अस्मा, उसने वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक क्या खुराक पहुँचाती थी? गारे सौर में दूध और गोश्त कौन पहुँचाता था? अस्मा बिनत अबी बकर। नेक्स्ट देखते हैं MCQs, आप लोग इन MCQs को डेली बेसिस पे करते रहें। जब तक एजुकेटर्स की जॉब्स आएंगी तो आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन कवर हो जाएगा। तो आप लोग यही कोशिश करेंगे जब मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो आप लोग इनको डेली बेसिस पे करते रहें। इस्लामियात और मैंने बेसिक मैथ का पोर्शन तो कंप्लीट करवा दिया, उनके आप लोग नोट्स बनाते रहें। नेक्स्ट MCQs है कि आमिर बिन काहिरा किसकी बकरियाँ चराते थे? अबू बकर की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत उमर को गिरफ़्तार करने का कितना इनाम रखा गया था? 100 ऊँट। हिजरत मदीना के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबा के घर क़याम किया? हज़रत अबू अंसारी के घर, हज़रत अय्यूब अंसारी के घर। नेक्स्ट है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की पहली मस्जिद तमीर का एक कुबा। आज का जो हमारा टॉपिक था हिजरत मदीना, ये हमारा कवर हो चुका है, इसके MCQs कवर हो चुके हैं। आप लोग कोशिश किया करें कि डेली बेसिस पे ही MCQs करते रहें ताकि जब जॉब्स आए तो आप लोग जस्ट इनको रिवाइज़ करें और आप लोगों की अच्छी तैयारी हो जाए।